दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसा दृष्टिकोण वैसा दृश्य। आओ इस पर एक कहानी सुनते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति था जो हमेशा नशे में धुत रहता था। वो हर समय किसी न किसी से लड़ाई झगड़े करता या मोहल्ले की किसी गली में नशे की हालत में कहीं गिरा मिलता था। और जब वो घर आता तो घर में घमासान होता था। कभी अपनी बीवी को पीटता तो कभी अपने बच्चों को। इसलिए जब भी वह घर आता था तो उससे पहले ही उसके बच्चे छुपकर सो जाते थे। उसे एक अरसा हो गया था किसी से प्यार के दो लफ्ज बोले हुए। इस सब के चलते उसका परिवार उससे खूब परेशान हो गया था। एक दिन उसका बाहर किसी से झगड़ा हो गया और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। नशे में धुत वह थाने में सो गया। अगले दिन सुबह जब वो होश में आया तो पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुम यह सब लड़ाई झगड़े और नशा क्यों करते हो? कुछ काम धाम ही कर लिया करो। उसने जवाब में कहा, साहेब, जब मैं छोटा था तो मेरा बाप बहुत नशा करता था, जुआ खेलता था, कभी मेरी माँ को मारता तो कभी मुझे और मेरे भाई को। मैंने बचपन से यही देखा है और यही सीखा है, तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस वाले ने सोचा, इसकी तो परवरिश ही खराब हुई है, यह नहीं सुधर सकता, इसको क्या दोष दें? उतने में ही पुलिस स्टेशन में एक सूट बूट पहना आदमी उसकी बेल कराने आता है। पुलिस वाला जब उससे बात करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि यह सूट बूट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसका भाई है। पुलिस वाले ने काफी जिज्ञासा पूर्वक उससे पूछा कि आपका भाई एक सामाजिक अपवाद है, मगर आपको देखकर आप काफी सभ्य और सफल इंसान लगते हैं, इतना फर्क कैसे? क्या मैं आपकी सफलता का कारण जान सकता हूँ? बड़े भाई ने कहा, मेरे पिता मेरी सफलता का कारण है। थानेदार यह सुनकर चौंक गया और सोच में पड़ गया। उसने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? अभी आपका भाई बता रहा था कि आपके पिता एक शराबी थे। तो बड़े भाई ने कहा कि हाँ, यह बात सही है, मेरे पिता शराबी थे और हमारे साथ मारपीट भी बहुत करते थे। मैंने बचपन में ही कसम खा ली थी कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा। यह सुनकर थानेदार को सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, एक भाई ने अपने पिता से सीखकर वही दुष्कर्म किए, मगर दूसरे ने यह सीखा कि उसे क्या नहीं करना है। अक्सर हम अपनी परेशानियों और परिस्थितियों को दोष देते हैं, मगर समान वातावरण में रहते हुए भी लोगों को एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। आप कौन से नजरिए को चुनते हैं उससे आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की नई कहानियां आपको मिलती रहें।